को देखने वाले हैं जो कि राउंड टू में जाएंगे। जेनेसिस की स्क्वाड टीम रेवेनेंट 4AM, रूलिंग सिंस 80s, ये 5-7 हिल्स की स्क्वाड, लिक्विड ईस्पोर्ट, रिवेंज और साथ में मेहम। मेहम के स्क्वाड भी कोशिश, मेहम ने मीरामार में बखूबी करी थी अपने आप को प्रोपेल करने की, अंक हासिल करने की। ये टीम की शुरुआत है अपने सफर की। ओआर ईस्पोर्ट्स, स्पॉटलेक, मेवरिक्स, टीम तमिला, सेवन हैबिट्स, ओआर मीडिया ईस्पोर्ट्स, रेकनिंग ईस्पोर्ट्स, वेलोसिटी गेमिंग, ये सारी टीम हमें दिखाई देगी राउंड। चलिए तीसरे पेज की तरफ चलते हैं, वहां पे एक बार फिर से 8 अन्य टीमों को आप देख पाएंगे। देखते हैं कौन सी वो 8 अन्य टीम होने वाली। टीम साइक स्पाइक स्क्वाड, रॉ ऑफिशियल लगा था कि शायद वो हो जाएंगे गैलेक्टिक गेमर्स। INT की स्क्वाड है, जी फेनिक्स उतना बढ़िया मुकाबला रहा नहीं, स्पाइडर, RVNC ई-स्पोर्ट्स। एंड RVNC ने कोशिश अच्छी करी, काफी अच्छे प्रयास उनकी तरफ से, बट आज जानते हैं आखिरी वो पेज पे जो टीम्स हमें दिखाई देंगी राउंड टू के लिए। नो रूल्स एक्सट्रीम, ओरांगोटान, स्कल्स ई-स्पोर्ट्स, टीम ट्राइबल ई-स्पोर्ट्स, डू ऑर डाई का स्क्वाड, एक्सनॉर ई-स्पोर्ट्स, एरर ई-स्पोर्ट्स एंड टीम रिबेल। तो ये 32 टीमें खेलेंगी राउंड। राउंड टू में ये 32 टीम गई तो सही, बट बहुत ही ज्यादा नामी ग्रामी आपको जो खिलाड़ी हैं, जो टीम्स हैं, वो देखने को मिलते तो हैं, बट उनका खराब प्रदर्शन रहा इस पूरे राउंड थ्री में, इसलिए आपको अब BGIS 2023 में राउंड टू में आपको जाते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल अब उन पे नजर डालेंगे जो राउंड थ्री में आपको स्क्वाड खेलते हुए नजर आएंगे। केमिनी स्क्वाड सबसे पहले सबसे टॉप पे वो थे, फिर CS की स्क्वाड आती है, हाइड्राज तीसरा पायदान वो लेके गए, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एक और अंडर गॉड स्क्वाड जो टॉप फोर में अपने आप को बना के गए, टीम सोल, एसिड, असला, ब्लाइंड, ये सारी ही टीम राउंड थ्री के लिए। यहाँ एसिड, असला, पहले हम इनको जानते तक नहीं थे कि कौन से ये प्लेयर्स हैं, कौन सी ये टीम्स हैं, काफी नाम कमा चुके हैं, बट अभी भी ये शुरुआत है, आपको उतना ही उनका परफॉर्मेंस जो है राउंड थ्री में डिलीवर करना है। इसके साथ साथ अगर बात करें LOC ईस्पोर्ट्स, चिकन डिनर नहीं आया उसके बाद भी टॉप 5 में अपने आप को मेंटेन कर रखे रखा इस टीम ने। मैजिक ईस्पोर्ट्स, द वर्ल्ड ऑफ बैटल, स्टार टाइगर्स, ऑटोबॉट ईस्पोर्ट्स, FS ईस्पोर्ट्स, मार्कोस गेमिंग, अगेन अ बड़ा नाम, गैडिएटर्स ईस्पोर्ट्स, ये टीम्स भी हमें देखेंगी राउंड। तीसरा पेज भी देख लेते हैं और वहां और 8 जो बची टीम्स हैं उनको भी हम देख पाएंगे और देखते हैं कौन सी वो 8 टीम होने वाली। हिंदुस्तान गेमिंग वो भी पहुंच गए, X7 बुल्स उनको भी आप देख पाएंगे। बिग ब्रदर वो आखिरी मुकाबला जिस तरीके से उन्होंने खेला है, मिड वेव उनको भी आप राउंड थ्री में देख पाएंगे। रिडम्पशन क्रू वो प्लेसमेंट पॉइंट के दम पे ये टीम यहां तक पहुंची है, सिग्निफाई लड़खड़ाते ही सही बट वो पहुंच गए। बट हब ईस्पोर्ट्स उनको 3 मुकाबले अच्छे खेलने थे, 1 मुकाबला खराब गया बट बाकी 2 उनके लिए बहुत बेहतर, बड़े आसानी से वो राउंड थ्री में पहुंच गए। मायावी वो भी रहेंगे राउंड थ्री के लिए। जी हाँ, राउंड थ्री में टीम मायावी भी अब फाइनली अपनी जगह बनाती है। हब ईस्पोर्ट्स जितने प्रयास इन्होंने किए फाइनली राउंड थ्री में जाके उसके बेनिफिट करेंगे। WSB गेमिंग, अगेन अ वेरी एग्रेसिव टीम, लखनऊ जायंट्स, TBST, रेड्रोज ईस्पोर्ट्स, साइलेंट किलर्स फाइनली मेक इट इनटू द राउंड थ्री। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट डे पे आया, X7 ऑफिशियल, गॉड्स रेन एंड ड्रैगन ईस्पोर्ट्स। चलिए ये सारी चीजें तो आपने देख ही ली है, अब थोड़ा सा बात करेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग का और चलते हैं देखते हैं कि किसने कितने अंक निकाले इन 7 मुकाबलों में, कौन सी वो टीम जिन्होंने दबदबा मचाया था। केमिनी स्पोर्ट्स 7 मुकाबले 131 अंक, 2 चिकन डिनर उन्होंने निकाला है, बट CSE स्पोर्ट्स को आप देखें 3 विनर विनर चिकन डिनर उन्होंने निकाला, बट केमिनी स्पोर्ट्स 65 टोटल फिनिशेज इस टीम ने निकाले। हैदराबाद हाइड्राज 95 के साथ वो भी आपको दिखाई देंगे, टीम सोल 1 भी चिकन डिनर उनके हत्थे नहीं लगा उसके बावजूद वो 85 अंक, टीम एसिड 1 के साथ, असला 3 चिकन डिनर वो निकाल के गए, 81, ब्लाइंड वो भी 81 के साथ। हाँ, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थी, एंड के डे में थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप आया, बट नेवर माइंड, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स 8वें पायदान पे 81 अंक के साथ यहाँ पे हमें नजर आ रही है। बट मैं नेक्स्ट पेज भी देखना चाहूंगी कि कौन सी टीम्स हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आया। CSE स्पोर्ट्स ये एक ऐसी टीम है, 3 चिकन डिनर, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस, पहले इन्होंने चिकन डिनर निकाला था आई थिंक सेनॉक में, देन वीकेंडी में, देन फाइनली तीसरा वाला इरांगल में। ई-स्पोर्ट्स देखने में जितना मुझे मजा आता है, जितना मैं एंजॉय करता हूँ, जो गूज बॉम्ब्स मेरे अंदर आते हैं, मैं यहाँ बैठ के फील कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ उन प्लेयर्स का क्या हाल हो रहा होगा जो वहां बैठ के खेल रहे थे, वो ऑडियंस जो ये सारे मुकाबले देख रहे थे। LOC 81 अंकों के साथ वो रहेंगे मेडल, 3 चिकन डिनर इस टीम ने निकाला 77 अंकों के साथ,
TWOB, उनके पास भी 75 मेडल ने एक चिकन डिनर, दो चिकन डिनर रंगल में निकाले, एक चिकन डिनर आज के दिन पे विकेंडी में निकाला 77 अंकों के साथ। ग्लेडिएटर्स चिकन नहीं निकाला बट 70 अंक उनके पास भी है। FS बढ़िया उनकी वापसी हुई, संतुलन उन्होंने बना के रखा और 71 अंकों के साथ वो भी रहेंगे गुजरात टाइगर्स ऑटोबॉट्स। एक बार फिर से TWOB वो भी खुश होंगे क्योंकि राउंड वन राउंड टू बहुत लड़खड़ाते हुए राउंड थ्री तक पहुंचे थे बट यहाँ उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन। हार ना मानने की जो एक जिद होती है ना, वही एक दिन सफलता दिलाती है एंड वही चीज हमारी सारी टीम से करके दिखाई। एंड तक हार नहीं मानी, हब ईस्पोर्ट्स फाइनली लास्ट डे में अपनी जगह टॉप 32 में बनाते हैं 61 पॉइंट्स के साथ। मायावी ऑन द 24th 60 पॉइंट्स। रिडेम्पशन क्रू इनकी तरफ से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस, सिग्निफाई ने भी सडनली एक जंप लिया था अपनी परफॉर्मेंस में 62 पॉइंट्स के साथ। दे आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। मिडवेव की अगर बात करें, बहुत उमदा कमबैक इस टीम की तरफ से भी, 64 अंक इन्होंने भी हासिल करे। बिग ब्रदर्स स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फिनिश पॉइंट्स पे रिलाय कर रहे थे बट एंड में संतुलन इस टीम ने बखूबी बनाया, 65 पॉइंट्स इनके पास। चलिए आखिरी पेज की तरफ बढ़ेंगे। WSB इनका बढ़िया गेम रहा, खासकर ज़ेरेफ अच्छा खेल के गए, 42 टोटल फिनिशेस बट जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो मात्र केवल 16 प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास है। 7 मुकाबले खेलने के बाद 16 प्लेसमेंट पॉइंट। बट लखनऊ जायंट्स, मुझे लगता नहीं है कि उतना कुछ फ्लैशी गेम उन्होंने खेला है, अपना जो नॉर्मल गेम प्ले था उसी पे वो टिके रहे और जो कट ऑफ था वो एग्जैक्टली 50 पे आके रुका, 7 मुकाबले 50 अंक। एंड गॉड्स रेन एक बार फिर से वो आखिरी के पायदान पे आपको टॉप 32 पे आते हुए नजर आएंगे। राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री हर एक मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है और टीम रेवेनेंट वो अपने आप को आगे ले जाके नहीं पहुंचा पाए। जेनेसिस 49 के साथ एक अंक से वो पीछे रह गए और 4 AM मौका था उनके पास बट वो एक जो मुकाबला उनका खराब गया था, अगर वो बेहतर कर पाते तो शायद वो भी 32 के अंदर होते। रिवेंज भी एक ऐसा नाम आता है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है बट फिलहाल बॉटम 32 में उनका नाम ओवर ईस्पोर्ट्स, अगेन अ वेरी बिग नेम, गॉड लाइक, फिलहाल 42 पॉइंट्स मात्र, ये आई थिंक एक ही दिन में इन्होंने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल करे हैं। मेवरिक्स की अगर बात करें, प्रयास काफी अच्छा करा है इन्होंने भी, 39 पॉइंट्स यहां पे हासिल करे। आखिरी गेम में सर्कल इनके फेवर में नहीं था, अदरवाइज शायद एक ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आ सकती थी टीम तमिलास। आज का दिन खासा इनके फेवर में नहीं गया बट आई होप कि राउंड टू में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक इनकी तरफ से, सेवन हैबिट की तरफ से, वॉर मेनिया, रेकनिंग ईस्पोर्ट्स, वेलोसिटी गेमिंग सबकी तरफ से देखने को मिले। वेलोसिटी गेमिंग उन्होंने भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं निकाला, मात्र केवल 10 प्लेसमेंट पॉइंट उनके हाथ लगे। चलेंगे अगले पेज की तरफ और वहां पे देखेंगे कौन कौन सी टीम आपको दिखाई देगी। हालांकि याद दिला दे दर्शकों को, ये सारी ही टीमें आपको राउंड टू में खेलते हुए नजर आएंगे जिनको भी आप 33वें पायदान से देख रहे हैं और 64वें स्थान तक देख पा रहे हैं। टीम साइक वो भी 35 अंकों के साथ है। स्पाई धमाल मचाया था राउंड वन राउंड टू में बट यहाँ उतना बेहतर नहीं कर पाए। एक चिकन भी उन्होंने निकाला है और एक चिकन से वो 15 अंक लेके गए प्लेसमेंट के, बाकी 6 मुकाबलों में मात्र केवल 4 प्लेसमेंट पॉइंट उन्होंने हासिल किया। रॉ ऑफिशियल साथ ही साथ गैलेक्टिक गेमर्स ये सारी RVNC आज तो 2 मुकाबले शून्य पे समाप्त किए थे, एक ही मुकाबला था जहां पे वो प्लेसमेंट पॉइंट ले जा पाए। बढ़िया आखिरी मुकाबला OG, उतना बढ़िया मुकाबला उनके लिए नहीं रहा। स्कल्स राउंड